और सिमरन का देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से ये एक गांठ हो रखी है ये, जो कि आपको अलग ही दिखाई दे रही होगी। तो आज इसका है ऑपरेशन। आज यहाँ हॉस्पिटल में सुबह भी दिख गया। क्या दिक्कत है इसको? गांठ हुई है। इसकी भी गांठ हुई है? अच्छा, तो इसकी भी सिमरन की तरह गांठ हुई है ये। बाप रे, इसका तो सिमरन से भी बड़ा रखा है गांठ। ये सिमरन से छोटा है, चूहा छोटा हो गया। चूहा छोटा है लेकिन गांठ बड़ी हुई है। तो दोस्तों, मेरे लिए तो अभी बड़े दुख की खबर है कि जो सिमरन को हम सोच रहे थे कि नॉर्मली उसका जो गांठ हो रखी है वो नॉर्मल है, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो कैंसर है। हेलो दोस्तों, आज के इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ ठीक और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग हम कर रहे हैं स्टार्ट। हम लोग आए हैं सिमरन को लेके आज हॉस्पिटल में, और सिमरन का देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से ये एक गांठ हो रखी है ये, जो कि आपको अलग ही दिखाई दे रही होगी। तो आज इसका है ऑपरेशन। बहुत ही सुस्त हो गया है, कई दिनों से ये खाना भी नहीं खा रहा है। चल उठ जा, उठ जा, अभी गाड़ी में आया ये, तो उल्टी भी हुई थी बेचारे को। तो अब मिलते हैं आगे। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हॉस्पिटल और ये देख सकते हैं आपको कुत्ते दिखाई देंगे, यहाँ पे भी देख सकते हैं, और एक यहाँ पे है और वहाँ पे भी चल रहा ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, यहाँ पे भी चल रहा है ट्रीटमेंट, देख सकते हैं छोटे भी बड़े भी कुत्ते आए हैं, और यहाँ पे भी हैं कुत्ते, और यहाँ पे दिखा दीजिए एक बार। आज यहाँ हॉस्पिटल में सुबह भी दिख गया। क्या दिक्कत है इसको? गांठ हुई है। इसकी भी गांठ हुई है? अच्छा, तो इसकी भी सिमरन की तरह गांठ हुई है, देख सकते हैं। ये ब्लड निकल रहा है क्या? हाँ, आता है। अच्छा, एक बार बाहर निकाल लिए तुम। ये बाप रे, इसका तो सिमरन से भी बड़ा रखा है गांठ। सिमरन से छोटा है, चूहा छोटा हो गया। चूहा छोटा है लेकिन गांठ बड़ी हुई। देख, तेरा पार्टनर मिल गया एक। सुस्त हो गया बिजार गाड़ी में। तो देख सकते हैं आप ये, और संडे के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ। और ये जो कुत्ता है, तो इसके नाक में गया झोंक। तो दोस्तों, मेरे लिए तो अभी बड़े दुख की खबर है कि जो सिमरन को हम सोच रहे थे कि नॉर्मली उसका जो गांठ हो रखी है वो नॉर्मल है, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो कैंसर है। अगर हम उसको निकालते हैं तो दूसरी जगह से और निकल जाएगा बोला वो गांठ। तो कुछ दवाइयां लिखी हैं, इंजेक्शन है, तो डॉक्टर साहब का कहना है कि ये दवाइयां, ये इंजेक्शन लगेंगे तो सिमरन सही हो जाएगा। इस बार लगाते हैं, इसके बाद एक हफ्ते बाद उसे और दिखाना है यहाँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ दवाई लेने के लिए। हमारे ये हमारा धर्मशाला की मार्केट भी आ गई हम मेडिकल स्टोर में, तो यहाँ से लेते हैं दवाई। दादा थोड़ा सा लिखिए, और परिवार का एक समझो कि हमारे परिवार का मेंबर है वो, आज बहुत दुख लग रहा है जिस वजह डॉक्टर साहब ने कहा कि कैंसर हो गया उसे, तो कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है। मैं भी और अन्नू भी बहुत परेशान हैं। तो अभी देखते हैं ये दवाइयाँ, ये इंजेक्शन लगा लेते हैं, उसके बाद कैसा रिजल्ट रहता है एक हफ्ते के बाद उसे और दिखाना है। ये ग्लूकोज भी चढ़ेंगे दादा? अच्छा, तो ये ग्लूकोज भी चढ़ेंगी, पहले भी चढ़ी थी उसको जब हमने ऑपरेशन किया था उसका। तो दोस्तों, अभी आ गए हम लोग हॉस्पिटल से बाहर। ग्लूकोज भी चढ़ गया और जो इंजेक्शन लगने थे वो भी लग गया। और वैसे तो डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि अगर इससे बैठ गया तो बैठ गया, क्योंकि इसकी एज भी ज़्यादा हो गई है। अगर बैठेगा तो उसी से बैठेगा, अगर इसकी अगर हम ये गांठ को निकालते हैं तो दूसरी जगह से और हो जाता है बोला। ये ट्यूमर बोले तो ये कैंसर का रूप है ये। तो अब जैसा भी है अपने तरफ से कोशिश करते हैं।
ऊपर फिर आप लोगों का आशीर्वाद है, ऊपर ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अगर ठीक हो जाए तो ठीक है, ये तो जैसा भी ये देख सकते हैं बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, खाना भी नहीं खा रहा है। तो दोस्तों अब ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, क्योंकि बहुत टेंशन हो गया है। प्लीज़ सपोर्ट करें और सिमरन के लिए सभी लोग कमेंट करें। आज बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया है, बाय।